शुरू होते ही दरियाए सिंध कोट मिठन के मुकाम पर दरिया की ताज़ा मछली खाने के लिए लोग कोट मिठन आ जाते हैं। दुकानदार का कहना है कि हमारे पास दरिया की ताज़ा मछली की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिसे हम 12 मसालों के साथ सरसों के तेल में फ्राई करते हैं, जिसे लोग खाने के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं। हम सरसों के तेल में 12 मसाला जात से मछली बनाते हैं। हमारी मछली बड़ी दूर से लोग खाने आते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए पैक भी करा के ले जाते हैं, क्योंकि हमारी कदीमी दुकान है मिठन कोट की, दरियाए सिंध की मछली, हर मछली आती है हमारे पास। लोग दूर दराज इलाकों से कोट मिठन आकर न सिर्फ मछली शौक से खाते हैं, बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए पैक करवा कर भी साथ ले जाते हैं। 12 मिसालों से तैयार की गई मछली ये उम्दा और लजीज मछली होती है। खाने वाला ये एक बार जो खा लेता है तो वो बार बार हर साल यहाँ पर आता है, वो मछली खाता है और बच्चों के लिए पार्सल भी ले जाता है। हम राजनपुर से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मछली खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ की मछली दरियाए सिंध की मछली है जो 12 मिसालों से तैयार की जाती है। बदलते मौसम के साथ लोगों के खाने पीने के स्टाइल भी बदल जाते हैं। सर्दी के मौसम में मछली को सर्दी की खास सौगात भी समझा जाता है।